अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए अजीब गुजरा, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब गुजरा। आप लोगों के सामने कैसे हमारे जो डफ थी इतनी प्यारी वो चली गई, और पता ही नहीं चला कैसे मतलब एक डफ हमारी चली गई हमें छोड़ के, और जो बाहर पपी है वो भी इतने बुरे तरीके से किसी ने कुचल दिया गाड़ी से, और बिल्कुल ही मतलब एक ऐसा दिन था कल के बहुत ख़राब। और फिर मेरी भी तबीयत ऐसी थी डाउन डाउन सी, आज भी है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी थी मेरे लिए। काफ़ी कल का दिन ऐसा गुजरा है कि बस क्या बताऊँ, मुझे डफ का बहुत दुख है दोस्तों, बहुत लॉस हो गया हमारा। तो दोस्तों, इसी वजह से आज मैंने दवाई का पानी बनाया फौरन, और मैंने बोला कि ऐसे बीमारी, क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, कभी गर्मी और हवा इतनी तेज़ चल रही है, कभी मतलब रात के अंदर ऐसा हो जाता है जैसे ठंडी हवा चल रही है, तो टेम्परेचर काफ़ी परिंदों को ना परेशान कर रहा है, चेंज हो रहा है ठंडा गर्म ठंडा गर्म। इस वजह से मैंने आज दवाई बनाई है, पानी इनको दूँ, सारों को, इनको भी और जितने हमारे बर्ड्स हैं उनको दूँ, जितने भी हमारे पास सबको डाल दूँ, ताकि वो सब सेटिंग में आ जाएं। तो चलें जल्दी से सारों को दवा डाल देता हूँ, और पानी के लिए बेताब हो रहा है, मैंने इनको पानी नहीं दिया, देखें। और दोस्तों एक और चीज़, हमारा जो ये कंधारी बच्चा है ये थोड़ा मेरे को ना हल्का लग रहा है, बैठे जा रहा है, बैठे जा रहा है, ये देखें बैठे जा रहा है, ये तो सेट है माशाल्लाह, चौकन्ना है तो ये भी सेट, चौकन्ना सेट है ये देखें। लेकिन एक होता है ना, दिखने में बंदा पता चल जाए कि हाँ यार ये थोड़ा सा बीमार है, तो बड़ी फिक्र हो रही है यार, लॉस हो रहा है और लॉस पे लॉस इतना बर्दाश्त नहीं हो पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है लेकर आते हैं हम भी तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, और ख़ास तौर पर वो चीज़ आपके सामने मर जाए, आपके हाथों में दम तोड़े तो बहुत दुख होता है। तो खैर दोस्तों, ये देखें कैसे सन्नाटे में आया हुआ है बिल्कुल, पानी डालता हूँ इनको, पिलाता हूँ, और इनको आज मैं थोड़ा धूप में भी रख देता हूँ। तो चलें दोस्तों पानी डालने पहले इन सारे। तो दोस्तों, इसको मैंने तीतरों के डब्बों में डाल दिया है दोनों कंधारी बच्चों को, क्योंकि पिंजरे हमारे पास कोई भी खाली नहीं है, और तीतरों को इधर डाल दिया है। आप लोगों को पता है यही पिंजरा था जिसके अंदर हम ले आ रहे थे, बाकी एक में जो है हमारी गोल्डन फिंच आ गई है। तो चलें इनको लेके चलता हूँ, धूप दिलवाता हूँ, और मुझे लग रहा है उस बच्चे को दोस्तों तेज़ बुखार है, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है उसका, ये मैं भूल जाता हूँ यार। तो चलें इनको लेके चलते हैं छत पर, और छत वालों को भी दवा डाल देता हूँ। तो दोस्तों सबको पानी वगैरह डाल दिया है मैंने दवा का, उनको भी डाल दिया, वो देखें पीने जा रही है वो हल्के हल्के, और इनको जो है मैंने थोड़ी देर के लिए दोस्तों धूप में रख दिया है, क्योंकि एक जो बच्चा है ना वो वाकई में हल्का फुल्का हमारा बीमारी की लपेट में, जैसे सफ़ेद वाला आया था वो येलो ड्रैगन हमारा, सेम एज इट इज़ वही उसकी हालत है दोस्तों। और यार बहुत लॉस हो रहा है हमारा, मुझे खौफ आ रहा है इस बच्चे को कुछ ना हो, क्योंकि ये बहुत प्यारी नस्ल है दोस्तों, कंधारी नस्ल के बच्चे हैं, और ये बड़ी मुश्किलों से हाथ आए, क्योंकि यहाँ इतने मिल नहीं रहते, ये आ गई इनके पास फ़ौरन, इनका साथ देना है, मुझे लगता है बोर नहीं होने देंगी। आधे घंटे इनको रखे रहने देता हूँ दोस्तों, आधे घंटे बाद इनको उठाते हैं, क्योंकि धूप में जो है ना दोस्तों आज ऐसी खास तपिश नहीं है, लेकिन गर्मी है लेकिन ऐसी तपिश नहीं है, इनको ये नहीं कर सकता मैं 10 मिनट में ले जाऊँ, थोड़ी देर लगने देते हैं, तपिश थोड़ी ये लें तो इंशाल्लाह सेटिंग में आ जाएंगे। और मेरा भी सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है नज़ले की वजह से, तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, तो मिलते हैं आपसे आधे घंटे के अंदर दोस्तों, ठीक है। आज लो भाई आप लोगों के पास भी आ गए,
दोस्तों हमारी एक जो मादी है उसका भी आप लोगों को पता है कि बीमार है वो। यार ये बाहर आएगी होती है, देखें ये अपने आप बाहर आके बैठने लग गई है। ये काटने इतनी गंदी लग गई है दोस्तों, हिल तो गई है मेरे से और पूरे कमरे में गोल गोल घूमती रहेगी। अभी इसको उड़ाऊंगा ना यहाँ से उड़ के यहाँ वहाँ, पंखा भी मुझे बंद करना पड़ता है लेकिन अभी मैंने खोला है क्योंकि बहुत शदीद अब सो रहा है और मुझे काफ़ी वीकनेस हो रही है क्योंकि गर्मी ऐसी हो रही है और दवा वगैरह खा रहा हूँ तो उस वजह से। नहीं यार इस मादी के लिए भी मेरे दोस्तों दुआ कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है इसकी छींकें ख़त्म नहीं हो रही हैं, इतना शदीद नज़ला, पता नहीं कैसा नज़ला, ख़त्म ही नहीं होके दे रहा और दवा दे दे के थक गया हूँ। ये लो दाना डाल लिया, ये आ गया तुम्हारा पानी। आ जा भाई बाहर आ जा, पहले बाहर आ जा। नहीं 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 उंगली पे नहीं काटना भाई, उंगली पे कैसे आएगा। आ जा, ये आ गया हमारे उंगली पे छोटे से बजी। नहीं 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 काटना मत, लग रही है बेटा ये हमारे छोटे से बजी काफ़ी बड़े हो रहे हैं हल्के हल्के करके। अभी से गुस्सा आ रहा है कि भूखा है ना तो मेरी उंगली काट रहा है कि मुझे खाना दो जैसे तैसे। सिरे लेग पे अभी भी दोस्तों खिलाना पड़ता है मुझे क्योंकि दाना भी इनसे इतने उसमें आ ही नहीं है, तो ये ना हो कि अल्लाह ना करे मैं किसी सिरे लेग छोड़ दूँ और भूखे पेट बेचारे कमज़ोर भी पड़ जाएंगे और मर भी सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरे बजी के लिए, जो जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं और नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे सेटअप के लिए दुआ करें और मेरे चैनल को ना दोस्तों सब्सक्राइब कर दें जो न्यू आए, और बस यही एक रिक्वेस्ट है दोस्तों तो कर दें। अरे 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 देखा कैसे आया, एकदम से आ गया यार। काटता बड़ा गंदा, मुझे उसके काटने से बहुत डर लगने लग गया है, उनकी चोंच बहुत खतरनाक काटती है। नहीं A few moments later. तो चलें दोस्तों कंधारी बच्चों को नीचे ले आते हैं और वहाँ से अब धूप भी जा चुकी है। आज तो यार मेरा भी ऐसा हाल हुआ है कि मैं क्या बताऊँ इनको। हाँ भाई सेट हो। हाँ काफ़ी इन्होंने धूप ली है दोस्तों, फिर भी काफ़ी सेट हैं। यहाँ पे इनका सिस्टम करना ही पड़ेगा। अब एक दो दिन से हवाएं तेज चल रही है, इंशाल्लाह मैं एक तरपाल तो ले आया हूँ, एक और तरपाल लाऊँ फिर हम यहाँ पे दोस्तों बांस वांस खड़े करके ये जगह कवर करके इधर रखेंगे अपने ये सारे के सारे चूजे भी मुर्गे भी और बाकी शौक भी इंशाल्लाह। चल इनको नीचे लेके चलते हैं इनकी जगह पे। तीतर बेचारे थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए थे कि यार कहाँ लिया है, ये अचानक घर चेंज कर दिया। फिक्र नहीं करो, तुम लोग अपने घर में ही वापसी जा रहे हो, चलो आ जाओ तुम अपनी जगह पे खुश रहो बस। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा जो कंधारी बच्चा दोस्तों इसके लिए आप लोग दुआ करें क्योंकि इसकी कंडीशन मुझे फिर भी काफ़ी सेट नहीं लग रही है। देखें ये काफ़ी बैठे जा रहा है, बैठे जा रहा है और पर भी लटकाए हुए। यार ये बेमान ना हो यकीन जाने, बहुत प्यारी चीज़ है और मेरा बहुत लॉस हो जाएगा दोस्तों। पहली डफ मर गई है, बस अल्लाह पाक सब बेहतर कर दे और मेरा सेटअप जो है ना भरपूर रहे। दोस्तों आप लोगों से दुआ है कि आप लोग दुआ करें, ये रिक्वेस्ट है छोटी सी कि मेरा सेटअप भरपूर रहे और भरा पूरा रहे और अच्छा रहे। तो चलें दोस्तों आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूं, तो अगर आप लोग आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।